नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ तमाम राज्यों में तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भी हो चुकी हैं। जहां बिहार में एक पेच फंसता हुआ नजर आया था, जब बिहार में RJD JDU का गठबंधन टूट जाता है, ठीक उसी तरह की तस्वीरें हरियाणा में भी देखने को मिली थी। हरियाणा में JJP और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और गठबंधन होने के नाते आपको ये बता दें कि JJP ने भिवानी और हिसार सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी, वही भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चाहती थी कि वही 10 की 10 सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन JJP की बात करें तो जननायक जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी। जननायक जनता पार्टी चाहती थी कि कम से कम 2 सीटें तो NDA की तरफ से उन्हें मिलती हुई नजर आए, लेकिन सीटें नहीं मिली। नाराजगी बड़ी हरियाणा में तख्ता पलट होता हुआ नजर आया और यहाँ पर JJP के साथ जो गठबंधन था वो टूट जाता है। गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी नई सिरे से सरकार बनाती है, नई सिरे से कैबिनेट का गठन करती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला जाता है, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाती है। जहां दुष्यंत चौटाला पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई बड़े चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इन चेहरों में आपको ये बता दें कि पूर्व गृह मंत्री की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, तो अनिल विज की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अनिल विज की नाराजगी है नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। ये कहा गया यहाँ पर अनिल विज के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विचार विमर्श के दौरान उनसे सलाह मशवरा नहीं किया। इतना ही नहीं, मनोहर लाल खट्टर के हटाने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अंबाला सीट से 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव, लेकिन 6 बार का चुनाव जीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो केंद्र में भी कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, राज्य में भी कई बड़ी जिम्मेदारियों को भी संभाल रहे थे। अब ऐसे में अनिल विज की बात करें तो नाराजगी यहाँ पर कई मायनों में निकाली जाती है। क्या कुछ अनिल विज को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अनिल विज कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। मुझे तो दिस केम एज ए बम शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदल जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी, तो कभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, TADA भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। आराम से थोड़ी छेड़ लो। विशाबाज चंडीगढ़ आप आए और शपथ ग्रहण हो रहा है, हाँ जी, मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर आप शामिल हो रहे हैं सर? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना हुआ सर? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर, करनाल JP नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो वहाँ मुझे नहीं जानकारी उसकी। सब ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गदावर नेता, यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, जो ये चर्चाएं हैं कि देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्ट बात हूँ, और मुझे कोई किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज CM साहब गरुंडा गए हैं, सर अंबाला होते हुए गए हैं, पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे, सर इस पर कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा मुख्यमंत्री जी। मैं तो घर ही था, अब
मेरे से तो नहीं बात सर, आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी। हाँ जी सर, वो कह रहे थे कि अनिल भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। नहीं, उनका धन्यवाद अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं। और सर उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप चर्चा ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं होता। सर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर, उनका आंखें कहाँ होती है, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आपके कम आ रहे हैं दोबारा छत्तीसगढ़? नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे तो दो दिन होती है मीटिंगें, और मंगल और बुधवार को मैं आया करूंगा, आपसे मिला करेंगे। सर आप गृह मंत्री थे मनोहर लाल सरकार, सर गठबंधन सरकार में आप गृह मंत्री थे, उस दिन से जब से इस्तीफा हुआ आप से कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं हुई अब तक शामिल करने को? मेरे से किसी ने बात नहीं। आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से? नहीं नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा की राजनीति में क्या किसी को नोटिस? नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। जैसा कि आपने अनिल विज को सुना, एक तरफ अनिल विज कहते हैं मुझे नहीं पता था कि कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी को लेकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बम उनके ऊपर गिर गया हो। यहां पर कई और मुद्दों पर भी मुखरता के साथ अनिल विज बोलते हुए नजर आए। अब आपको बता दें कैबिनेट का विस्तार हरियाणा में हो चुका है, 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन जिन 8 विधायकों में शामिल मंत्री पद की शपथ लेने वाले चेहरे थे, इसमें से कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिससे अनिल विज भी नाराज थे, जिसमें से यहां पर आपको ये बता दें कि राव इंद्रजीत अहिरवार की बात करें तो उनके भी यहां पर कई ऐसे विधायक मौजूद थे जो नाराज थे। यहां पर राव इंद्रजीत की बात करें तो सांसद हैं, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं और संभाल भी रहे हैं, तो वही राव इंद्रजीत की बात करें तो राव इंद्रजीत के एक विधायक की बात करें ओम प्रकाश, उसको जगह नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर अभेद सिंह अहिरवार की बात करें तो यहाँ पर उन्हें टिकट दिया जाता है, और यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर राव इंद्रजीत की बात करें तो वो नाराज हो जाते हैं, और इसी नाराजगी को लेकर हमारे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर इस बात की प्रबल संभावनाएं मानी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो जिस तरीके से यहाँ जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटा, उस गठबंधन पर यहाँ जो टूटने का प्रमुख आधार बना वो महेंद्रगढ़ और भिवानी की लोकसभा सीट बना। 10 लोकसभा सीटें सूबे में आती हैं और 10 लोकसभा सीटों में महज 2 लोकसभा सीट, जबकि गौर करेंगे तो जेजेपी के साथ जो गठबंधन बीजेपी का रहा वो लंबे वक्त से रहा है। 2019 में भी कहने के साथ चुनाव लड़ा था, हम चुनाव भी साथ लड़े थे। 2019 में जब राज्य के विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से संयुक्त रूप से सरकार भी बनाई, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 46 सीटों का उसे पार नहीं कर पाई थी, उसके साथ गठबंधन टूटा। और जब गठबंधन टूटा तो यहां पर बात ये निकल के आ रही थी कि कहीं बीजेपी अपने गठबंधन अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी अल्पमत में न रह जाए, क्योंकि 41 सीटें वर्तमान में जिस तरीके से बीजेपी के पास है और 10 सीटें जेजेपी के पास थी, 10 विधायक जेजेपी के थे, तो 45 के भी 46 जो यहां पर चाहिए थे बहुमत के लिए वो कहीं छिटक ना जाए, लेकिन जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से बीजेपी पार करने में यहां कामयाब रही बहुमत के आंकड़े को। लेकिन अनिल विज की नाराजगी यहां सामने है, जब यहां जो नायब सिंह सैनी को यहां मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया गया तो विज की नाराजगी देखिए इस कदर थी कि जब उनके नाम का ऐलान हुआ उन्होंने पार्टी मीटिंग यहां छोड़ दी, उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस मीटिंग में भी वे यहां पर अनिल विज नहीं पहुंचे। तो कुल मिलाकर के एक तो अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप अगर गौर करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जरूर रहे बीते 10 सालों में, लेकिन 2014 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता तो प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के सबसे पहले अनिल विज ही थे, उसके बाद जब मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाया गया तो वरिष्ठता के आधार पर विज ही
मुख्यमंत्री के यहाँ पर दावेदार एक बार फिर से बनते नजर आ रहे थे। ऐसे में अपनी ही पार्टी के एक दिग्गज नेता की नाराजगी साथ में एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी दल का छिटकना, तो कुल मिलाकर ये बीजेपी पर आगामी आम चुनाव और सूबे में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भारी। जिस तरीके से हम देखें राव इंद्रजीत सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ कोई मुलाकात नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई, कैबिनेट विस्तार के बारे में नहीं बताया गया। दूसरी तरफ अनिल विज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यदि मेरे आवास पर आते मैं उनको चाय पिलाता, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। क्या यहाँ पर जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनको कहीं ना कहीं हाईकमान जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है? देखिए बिल्कुल शीर्ष यहाँ पर अगर आप समझेंगे हाईकमान के द्वारा, तो वो शीर्ष आता है कहीं ना कहीं उम्र में, जो उम्र में शीर्ष हो जाते हैं। और बीजेपी की पॉलिसी कहती है कि 70 से ऊपर वालों को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन 60 से ऊपर भी अगर आप आ जाएंगे तो आपका टिकट जहाँ पर है वहाँ से भी काट दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान 62 साल की उम्र वर्तमान में है, मुख्यमंत्री थे, चुनाव भी जीता एमपी में, बीजेपी ने 163 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया। अनिल विज लगभग 68 साल उनकी उम्र है, साथ ही राव इंद्रजीत सिंह। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर क्षेत्रीय बड़े नेता है या कहें कि उम्र दराज कुछ हद तक नेता है, उनको जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की दरकिनार करने की पॉलिसी है, ये बीजेपी पर ही भारी पड़ सकती है। आपने जिक्र किया राव इंद्रजीत सिंह का, इस पर यहाँ अनिल विज ने भी कहीं ना कहीं वही प्रतिक्रिया रखी कि मुझसे कोई बात नहीं की गई, आलाकमान के द्वारा मुझसे कोई भी संपर्क नहीं किया गया। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी वरिष्ठ नेता की नाराजगी देखने को मिलती है उसे राज्यपाल का या राज्यसभा सांसद के लिए पद ऑफर कर दिया जाता है, लेकिन अनिल विज को लेकर भी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं है, और साथ ही यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को लेकर भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। राव इंद्रजीत अनिल विज की नाराजगी के बाद जब यहाँ पर सवाल कैबिनेट मंत्री से पूछा जाता है तो रंजीत चौटाला यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं वो भी सुनिए। देखिए जब गठबंधन हुआ तब जेजेपी ने डिसाइड करा, जाके रातों रात ही गठबंधन हो गया और रातों रात ही अलग अलग हो गए। अब मतलब किसी को खबर ही नहीं थी मॉर्निंग के शाम को ये होगा। अब उन दो नेताओं की आपस में बात होती है, जेजेपी के हाईकमांड ने दिल्ली जाके बात करी, ये दिल्ली में फैसले तय होते हैं। अगर कोई यहाँ किसी से पूछा जाता है तो माननीय मनोहर लाल जी से या हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा जाएगा, जो बातें उन्होंने तय करनी है उसमें हम क्यों जाग के देखें, जो छप जाएगा देख लेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कभी कोई नहीं देखा जाता। राजस्थान में आपने देखा वसुंधरा राजे सिंधिया थी, पांचवी लाइन के आदमी को बना दिया, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी पहले मुख्यमंत्री थे, पार्टी हाईकमांड का फैसला सब बैठे, कोई नाराज नहीं होता इस पार्टी में। इस पार्टी पे जितनी खबर रहती है बहुत इन पे स्पीड वर्क है, जमीन से जुड़ी पार्टी है, हर आदमी की पूरे हाईकमांड को सब आतंक रहते हैं, वहाँ डिसाइड होता है, कोई अपनी नाराजगी ले अपनी जेब में रखे, यहाँ इस पार्टी में कोई परवाह नहीं। यहाँ पर वो कहते हैं कि नाराजगी अपनी जेब में रखें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब शिवराज सिंह चौहान जब वसुंधरा राजे को नहीं तवज्जो दिया तो अनिल विज क्या है, यानी कि साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अनिल विज को साइडलाइन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब अनिल विज क्या बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।